चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। आपका ये स्वभाव ऐसा है या आप उनको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं? नहीं, मैं चिढ़ाती नहीं हूँ। वो जो वो करते हैं मैं सच सच कह देती हूँ कि उन्होंने ये किया और ये नहीं किया, ये बात है। कई बार दकियानूस हो जाते हैं तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना, गुस्सा आता है मुझे, तो मैं बोल देती हूँ। लेकिन एक और बात है, जब वो उनको भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं सबके लिए कह रही हूँ, पतियों को आ जाता है गुस्सा, वो बाहर से भी कोई बात हो जाती है तो वहाँ का गुस्सा आता है उन्हें, तब मैं जवाब नहीं देती। राजन जी का तस्वीर फोड़ दी तो मैंने नहीं कहा कि तुमने क्यों किया ऐसा, स्त्री विमर्श के हिसाब से तो मुझे लड़ना चाहिए ना कि इस घर में क्या मेरा कुछ भी नहीं है, जो मैं एक तस्वीर नहीं टांग सकती तो वो कुछ और कहते कि बुड्ढे की तस्वीर क्यों टांग रही है ना। तो मैं राजन जी से कहती, राजन जी आपकी तस्वीर तो तोड़ दी। तोड़ दी? मैंने कहा हाँ। तुम लड़ी तो नहीं? मैंने कहा नहीं। हाँ, तो मुझे राजन यादव पे वो आता था ताज्जुब कि जो आदमी अपना घर तोड़ फोड़ के आ गया और मुझे भाई या बाप की तरह समझा रहा है कि तुम लड़ना मत हैं, नहीं तो उन्हें तो ये कहना चाहिए कि लड़ो, तुम्हारा क्या घर नहीं है वो। तो मतलब ऐसी बातें थी जो होती थी फिर शांत हो जाती थी, इसीलिए चल रहा है। हर घर में ऐसा होता है कि चीजें उठती हैं फिर वो शांत हो जाती हैं, ऐसा ना हो तो गृहस्थियाँ कैसे चले। और आजकल के जो नई पीढ़ी है बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त माने गाली, बर्दाश्त क्यों करें? कभी कई बार एक लेखक आए, वो मुझसे रोज कहे, दीदी मैं क्या करूं, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। मैंने कहा अब जब पुलिस में ही तूने शिकायत कर दी तो अब कह रही है मुझसे, अब तो तूने कहीं का छोड़ा ही नहीं पति को। तो फिर मैंने कहा उससे, कभी तुम भी छोटी पड़ जाया करो, कोई बात नहीं, आदमी छोटा पड़ के ही बड़ा होता है, ऐसी नहीं है कि उसने ये कही तो तुम चार सुनाओ उससे बड़ी नहीं होने वाली तुम, अगर वो कह रहा है तो कहने दो, तुम अपना काम करे जाओ। ऐसे तो हम उनको जवाब देते हो कलह करते तो कुछ नहीं लिख पाते, कुछ भी नहीं लिख पाते। तो यही बात है, हमें लिखना था वही रणनीति, रणनीति जिंदाबाद स्त्रियों की रणनीति। वैसे तो अब तक सिर्फ दो दिन भी समाप्त नहीं हुए हैं आपको जानने हुए, आपसे परिचय हुए, पर ऐसा लगता है कि ऐसे कोई पिछले जन्म का कुछ संपर्क रहा होगा। और एक डेढ़ महीने पहले शब्द जब हम लोग भास्कर सर के साथ बैठ के बात कर रहे थे तो इन्होंने और जूही मैम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये अगर आ गई तो हमारा ये कार्यक्रम पूरा संपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी तो मतलब एक अलग ही नाता बन गया है, और जैसे कि कल मैंने आपको कहा कि अब जब भी कोई असिस्टेंट का जरूरत पड़ेगा तो हम आ ही जाएंगे कलकत्ते से आपके पास। जब जब भव्या ने कहा मुझसे कि आपको लेने कौशिक सर आएंगे तो सर सर कहा ना, मैंने कहा कोई बूढ़ा आएगा मुझे लेने, क्या ले जाएगा मुझे कि देखा इन्होंने मेरी फेसबुक पे वो कर, मैंने कहा ये तो लड़का लग रहा है मुझे। हाँ, फिर एयरपोर्ट पे मिले तो फिर वो बिल्कुल ही लड़का ही निकला। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना समय हमें दिया, इतनी कई सारे बातें कही, बातें की, इतने सारे आपके विचार हमने सुने, बहुत सारी चीजें सीखी। नहीं विचार क्या सुने, सारी पोल खुल वाली तुमने। मैम एक चीज होता है खुद के अनुभव से सीखना और दूसरा होता है आपके अनुभव से सीखना, तो बहुत अच्छा सौभाग्य हमारा नहीं, कि नहीं, आपके अनुभव से हमने बहुत अच्छा अच्छा है क्योंकि हमने इतनी जिंदगी काटी है ना। और अभी किसी ने मुझसे वो कह दिया कि आपको अमृता प्रीतम की तरह बनना चाहिए, तो अब मैं हो सकता है मैंने गलती लिख दिया हो, हमने कहा हमें अमृता प्रीतम की तरह कैसे बन सकते हैं कि ना तो हमने पति छोड़ पाए हम, दूसरी बात ना हमने शायर की झूठी सिगरेट पी,
तीसरी बात ना हमारे पास कोई वो क्या नाम है मरोज है, तो हम कैसे बन जाए अमृता प्रीतम। अब इतना लिखना था तो ट्रोलिंग शुरू हो गई, कैसे कैसे कहती है। सबकी स्थितियाँ अलग होती हैं, है ना, हम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया, हम नहीं कर सकते। तो हर कोई, और क्यों कोई अमृता प्रीतम हो जाए और क्यों कोई मैत्रेयी पुष्पा हो जाए, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है और अपनी अपनी करनी होती है और अपनी अपनी भरनी भी होती है, है ना। तो यही सब बात है जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैत्री पुष्पा जी, डॉक्टर सी भास्कर राव, और हमारे दो नए संवाददाता कौशिक मिश्रा और भाव्या भूषण। साक्षात्कार का यह भाग अंत नहीं, आरंभ है। संवादों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।